चेयरमैन तरीके साहब जो बानी चेयरमैन है वो सादिक और अमीन है और वो बिल्कुल उस ऊपर खेत आते हैं। हमारी अदालत ने तो सादिक और अमीन भी कहा है लेकिन वो क्या कहा है मदद के साथ लेकिन इसमें मुद्दा ये है ना, एक मसला ये है मुझे वो कह रहे हैं कि एक वकील हो के आप मुझे क्या कानून समझा रहे हैं, मुझे क्या है वो कानून, आप आपकी बातें गलत होती हैं, आप तो अल्लाह है तो वो माननी चाहिए, इसके अलावा आपकी बात माननी चाहिए। मैं तो मदद के साथ फिर बात की तो आपको करना ही जो है ना वो बहुत बड़ा जुर्म होगा, वो बेवकूफी और हमाकत होगी। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अच्छा आदर साहब आपको पॉइंट आ गया सर, अब आप अपनी बारी में सर, मुझे डॉक्टर साहब की तरफ जाना है। डॉक्टर साहब ये जो बात कर रहे हैं, अगर सिद्दीक साहब को पानी पिलाएं ठंडा करें, इंग्लैंड में इस तरह पहले नहीं हुआ, जो बड़ा तय करके आए थे कि मैं लिख के देता हूँ वजीर आजम है वो ग्राउंड पे अभी तक जलसा कर नहीं सके। आदर साहब आपके ख्याल में इससे पीटीआई को फायदा होगा नुकसान होगा जो ये एडजस्टमेंट होगा? अंधा बांटे रेड़ियां अपने ही कुदे, ये ऐसे नहीं सिंपल मसला नहीं है सारी बातों को। और आपको किसने कह दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीटों का फैसला नवाज शरीफ ने करना है? वो जिन्होंने फैसले तलाक होना है कि अल्लाह रखा मोहम्मद बूटे पे नहीं होना, कर्जा ले लिया दे दिया इस पे नहीं होना, जो आप कागजात नामजदगी में डिक्लेयर करते हैं, मैं फिर क्लियर कर रहा हूं आपको, या अभी सुप्रीम कोर्ट में बैठी हुई, उन्हें चाहिए तो फॉरन फिक्स करते, जनवरी में क्यों फिक्स किया उन्होंने? तो सवाल बड़े जो कि छुट्टियों पे गए हुए हैं, शरीफ ने एक दफा माफी मांगी हो आकर, एक दफा भी आकर कहीं बैठ कर बात क्यों, हम कह रहे हैं तौबा तौबा, आपका दरवाजा खुला होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अज़र सदीक ने कहा कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए नवाज शरीफ को मुसलसल रिलीफ दिया जा रहा है। इस पर लिफाफा खोर सहाफ़ी हसन अयूब ने जब नवाज शरीफ को डिफेंड करने की कोशिश की तो अज़र सदीक ने लाइव शो में लिफाफा खोर सहाफ़ी हसन अयूब को ऐसी खरी खरी सुनाई के मज़ा आ गया। आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। अज़र सदीक साहब, आप लोगों का तो ज़ाहिर है रिलायंस इसी बात पे था कि सुप्रीम कोर्ट से ही ये मसला सेटल होना है, लेकिन अब जो आंख साए हैं तो उससे कुछ आप लोगों को इत्मीनान हो गया है, अंदाज़ा हो रहा है कि क्या होने जा रहा है? क्योंकि आप तो ये कहते थे सुप्रीम कोर्ट ही सेटल करेगी। अब बहुत शुक्रिया, नहीं नहीं हमारे लिए ये कोई अंजबे की बात नहीं है, वो कहते थे जब जस्टिस काजी फाजिल साहब आएंगे उसके बाद पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, वो नजर आ रहा है। और ये किसने कह दिया कि ये फैसले का इबहाम बहुत से लोगों पे है? दो ही तो लोग हैं सिर्फ, एक का नाम है नवाज शरीफ और दूसरे का नाम है जहांगीर तरीन, जो इस वक्त कुछ खास लोगों के दिल पे भाने वाले लोग हैं और तो कोई बंदा नहीं है। और जहां तक बड़ी बात है, मैं एक सिंपल सी बात बताता चलूं आपको, जस्टिस असद मिनाल साहब के रिमार्क्स जो दिए हैं और जस्टिस ने रिमार्क्स दिए उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज ही कर दिया है और वो केस फिक्स कर दिया जाके जनवरी में, अभी क्या अभी सुप्रीम कोर्ट में बैठी हुई, उन्हें चाहिए था फॉरन फिक्स करते, जनवरी में क्यों फिक्स किया उन्होंने? तो सवाल बड़े हैं जो कि छुट्टियों पे गए हुए हैं, वो खुद यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब अगली बार मैं आपको बता दूं एक आम तालिबे इल्म के हवाले से, देखिए आर्टिकल है 62 और 63, 62 है क्वालिफिकेशन अहलियत, अहलियत के किसी आर्टिकल में मुद्दत नहीं है, ये जो हम कह रहे हैं ना बैठ के हम बनाते फिर, आर्टिकल 63 ट्रिगरिंग इवेंट है, यानी आपको कोई सजा होगी और ये फौजदारी प्रोसीडिंग नहीं है। वो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने अजीबो गरीब से रिमार्क्स दे दिए, भाई ये फौजदारी प्रोसीडिंग नहीं है, फौजदारी में सजा होती है, ये तो उसके कॉन्सिक्वेंस है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? सिविल लाइबिलिटी है बेसिकली ये चाहे दहशतगर्द हो जो मर्जी हो, वो आईन ने कह दिया है कि उसकी सजा 5 साल है, लिख दिया आर्टिकल 63 में। इलेक्शन एक्ट के अंदर, इलेक्शन के अंदर भी वही है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन रख दिया है, एक दो फालतू डिस्क्वालिफिकेशन डाली है, जैसे इमरान खान अपना। लेकिन आदर साहब, मियां साहब की नाहली तो सजा के बाद ट्रिगर हुई ना? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना, तो यही तो फर्क डालना है कि मियां साहब की जो नाहली है वो सजा से पहली है, फिर मैं समझाता चलूँ आप लोगों को, यही तो कंफ्यूजन है हम सब लोगों में, हम समझे बैठे हैं। और इसीलिए तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अकामा में निकाल दिया अपना, वो भाई अकामा का इशू नहीं है, और ये सोसाइटल वैल्यूज है। जहां जॉन मेजर ने क्या किया था, एक पार्टी की थी ना उठा के बाहर किया पार्लियामेंट में, और चूंकि इस केस में मैं अपना तहरीकिया था, मैं इत्माद में पेश हुआ था, इशू जरा समझ रहा है, इशू बड़ा सीधा सा सादक और अमीन होना। मियां नवाज शरीफ ने एक दफा माफी मांगी हो आकर, एक दफा भी आकर कहीं बैठकर बात क्यों, हम कह रहे हैं तौबा तौबा, 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 तौबा खुला होता है जब लेकिन चीफ जस्टिस ने तो बड़ा वाज़ह कहा है भाई, बात ये है कि आप सादिक और अमीन भी चेयरमैन तरीके साहब जो बानी चेयरमैन है वो सादिक और अमीन है और वो बिल्कुल उस ऊपर खेत आते हैं। हमारी अदालत ने तो उनको सादिक और अमीन भी कहा है लेकिन वो क्या कहा है मदद के साथ, ये मुझे वकील को समझा रहे होते हैं कानून यार। सर लेकिन इसमें मुद्दा ये है ना, एक मसला ये है, अगर आप मेरी बात सुने सर, ये अच्छी बात नहीं है, वकील होकर आप मुझे क्या कानून समझा रहे हैं, मुझे वो कानून, आपकी बातें गलत होती हैं, आप तो अल्लाह है तो वो मान लेनी चाहिए, इसके अलावा तो आपकी बात माननी चाहिए, आप कौन सी फेर बात की आज तक आपने? चले मैं जरा, मैं तो मदद के साथ फेर बात की तो करना ही जो है ना वो बहुत बड़ा जो है ना जुर्म होगा, वो बेवकूफी और हमाकत होगी। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अच्छा आदर साहब आपको पॉइंट आ गया सर, अब आप अपनी बारी में सर, मुझे डॉक्टर साहब की तरफ जाना है।
डॉक्टर साहब ये जो बात कर रहे हैं अदर सिद्दीक साहब, अदर साहब आपका नुक्ता आ गया सर, जरा मुझे डॉक्टर साहब की तरफ जाने देना। कानून की बात करो अदर सिद्दीक साहब, अब मैं जरा डॉक्टर साहब की तरफ चला जाऊं, बहुत पेशेंस से वो सुन रही हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि ये जो बात कर रहे हैं अदर सिद्दीक साहब की, ये शायद मियां साहब को, जहांगीर तरीन साहब को, कि आजकल वो मंजूर नजर हैं, उनको जो है बचाने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। आप लोग इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं, आईपीपी की इस पेशरफ पे क्या पोजीशन है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो अदर सिद्दीक साहब को पानी पिलाएं, ठंडा करें। इंग्लैंड में बैठे हैं ना, कैसे पानी देने जाऊं, यहां से कोई पास वाला देगा उन्हें? और ये पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान का दर्द महसूस करते हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और खुशहाल देखने के मतमनी है, लेकिन पाकिस्तान आने से कतराते हैं। और पाकिस्तान में आके जो इनका अपना रोल अदा करना है, ये चीजें जो मीडिया के जरिए आपको और हमें ये एडवोकेट कर रहे हैं, ये कितना अच्छा हो कि आके ये अदालतों में उन पिटीशंस का हिस्सा बने और अपना पॉइंट ऑफ व्यू अदालतों में आके दें। यार इन्होंने सियासी रोल शेर अफजल मरवत को दिया हुआ है ना? नहीं, बेसिकली मैं पिटीशन फाइल की हुई है, 90 दिन वाली पिटीशन मैंने फाइल कराई है। किसने कह दिया कि मैं अदालतों में चीजें नहीं लेके आता? अच्छी बात है, होपफुली वो आप तशरीफ लाएं और आके आप उस अदालत के अंदर उसमें पार्टिसिपेट करें, कानून को लेबरेट करें और कानून को ये रास्ता अख्तियार करने दें कि वो किस तरफ जो है वो आपके आर्गुमेंट्स को वे करते हैं और आईन और कानून की बालादस्ती के लिए आपको किस तरह से वो फैसिलिटेट और रिकॉग्नाइज करते हैं आपकी एफर्ट्स को। जी अदर साहब, अच्छा असल में ना आदिल अब्बासी बड़ा प्रॉब्लम ये है, खान हर कोई समझते हैं कि हमें को बहुत कुछ आता है। देखिए सादक और अमीन आका दो जो हजूर नबी कृष्ण की जात है, क्या एक आदमी को सच्चा नहीं होना चाहिए, अमानतदार नहीं होना चाहिए? इसने कह दिया है, वो तो हाई मॉरल स्टैंडर्ड की बातें बोला है। आपके आईन ने लिखा है 62(1)(f), मैंने नहीं कहा, और ये मियां नवाज शरीफ की पार्लियामेंट थी उस वक्त, सब ने इकट्ठे बैठ के 18वीं तरमीम पास की थी। अब आते हैं मेरा, मैं आसान लफ्ज़ों में, एक सेकंड अदर साहब, एक सेकंड, एक नुक्ता है मेरा। 35 पंक्चर वाला जो इल्जाम लगाया था खान साहब ने, वो सच्चा साबित नहीं हुआ था। उसके बाद उन्होंने कहा मुझे इसने कहा, मुझे उसने कहा, हम पहले भी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं। तो जब वो 35 पंक्चर वाला झूठा इल्जाम लगाया और वो साबित नहीं हुआ, तो उस पर सादिक और अमीन का फॉर्मूला अप्लाई होगा या नहीं, एक सवाल है मेरा आपसे बतौर वकील। आप मुझे टाइम जरा देना, मैं समझा रहा हूं, आम बंदे को भी जरा समझ आ जाएगी। देखिए इस तरह के इल्जाम कितने लगते हैं, आप ये इल्जाम उन्होंने खुद लगाया था, उन पर नहीं लगा था। ये है कागजात नामजदगी पर, 62(1)(f) कहां इतलाक होना है, या अल्लाह रखा मोहम्मद बूटे पे नहीं होना, कर्जा ले लिया दे दिया इस पर नहीं होना, जो आप कागजात नामजदगी में डिक्लेयर करते हैं। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं आपको, ये इसका इतलाक वहां होना है, ये हर काम पे नहीं होना। रिहाम खान पे पता नहीं क्या क्या बातें आप कर रहे हैं, और वो भी क्या हुआ, मैं आपको उस केस पे भी कहता रहा था कि अपना इज्जत वाले निकाह में, और भी अभी तो इमरान खान को समन करना है, वो शाते थोड़ा है, अभी तो मफरूजे हैं, अभी बातें मफरूज है। अगर साहब वो जितनी बातें हसन ने की है उनको अगर मैं इल्जाम तसव्वुर कर लूं, उनको तो आप एक तरफ कर दें, तमाम इल्जाम है। मुझे सिर्फ इसका जवाब दें कि अभी केस नहीं है, कोई कागजात नामजदगी नहीं है, कोई अदालत में मसला नहीं है। अगर एक बंदे ने 35 पंक्चर का इल्जाम लगाया नजम सेठी साहब पर और वो साबित नहीं हुआ, तो बताओ सर, सुने ना सर, गुजारिश तो सुन लेना, साबित क्या मतलब है, हर चीज अदालत में तो साबित नहीं करनी, कोई अखलाकियात भी चीज है, क्या अखलाकी तौर पर आप उन्हें दुरुस्त साबित करेंगे या फिर भी सादिक और अमीन कहेंगे? यही तो फर्क है, 18वीं तरमीम से पहले 62(1)(f) में अदालत का लफ्ज नहीं था, 62(f) में अदालत का लफ्ज डाल दिया गया। सादक और अमीन के खिलाफ अगर वो बात आपने साबित करनी है तो अदालत कहेगी, मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ और मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस बात को। अब जरा बात को मैं मुझे बिल्ड कर लेने दे, ये इल्जाम खाली, ये बातें जो हम करते हैं ना सादक और अमीन, ये खुदा रहा यार दीन ये नहीं है। मुझे आज दुख हुआ जस्टिस काजी फैसा के इस लफ्ज के ऊपर, जनाब नमाज पढ़ने वाला यार खुदा रहा मजाक उड़ा रहे, अब तो दीनी आयात का हवाला देते रहे, तो बात को जरा समझे, उनको खुद समझ नहीं आई इस बात की कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। सजा देखिए एक सजा अलहदा है, जैसे उन्होंने बताया ना कि 100 रुपया ले लिया दिया नहीं, अभी डिफॉल्ट कर जाए आप, 63 में लिखा हुआ है डिफॉल्ट वाला जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकता लिखा तो, हुआ है। अदर साहब फिर आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि अगर अदालत ने साबित कर दिया सादिक और अमीन तो ठीक, इसके अलावा दिन भर बंदा झूठ बोलता रहे, बेशक लोगों को बेवकूफ बनाता रहे, इल्जाम लगाता रहे, पगड़ियां उछालता रहे, लेकिन वो सादिक और अमीन रहेगा, क्योंकि चंद मनपसंद जजेस ने उसको सादिक और अमीन या गद्दारे वतन या नाअहल करार नहीं दिया। तो सोसाइटी की भी तो कोई वैल्यूज है सर, या सारा कुछ अदालतों ने करना, इन अदालतों के तो बड़े बड़े केसेस हैं जो इन्होंने जई तई फेरी है केसेस में। ब्रेक लेने का कहा जा रहा है सर, मैं समझा ये हूँ कि आपने कहा कि अदालत कहेगी तो ठीक है, अदालत नहीं कहेगी तो झूठ बोलते रहो पूरा दिन, तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा, टीवी पे बैठ के भी बोलो, बाहर भी बोलो, जलसे में भी बोलो, नोबडी वुड आस्क यू के आइंदा से अगर मुझे बुलाना है तो मुझे पूरा वक्त दिया करें, वरना मुझे ना बुलाया करें। दूसरे वाला अपना टाइम चेक कीजिएगा, मेरे से ज्यादा निकलेगा आपका। बात खत्म कर रहा हूँ तो बीच में आपकी बात आ जाती, मैं सर बीच में नहीं, आपके आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं दूंगा, आप ये कह रहे हैं कि अदालत साबित करेगी, आपसे बात पूरी होने देना, मेरी बात ही पूरी होने दी, कर ले। मैं अपने कर रहा हूं आपको कि ये सिर्फ नॉमिनेशन पेपर के हवाले से है, हजार बातें करेंगे, हजार बातें होंगी, वो जब तक यहाँ इसीलिए आर्टिकल 62(1)(f) में लिखा हुआ है कोर्ट ने करना है, जब तक अदालत नहीं करती। और अगली बात ले लें, अगला बात ले लें मेरे से, अब जस्टिस काजी फैसला साहब लगा लिया ना, बनाए इसमें फुल कोर्ट, फुल कोर्ट बनाए इस केस के अंदर, आए सबको लेकर आए, मैं भी आऊंगा, मैं भी हुजूर वाला। आप जो मौजूदा जजेस बात कर रहे हैं, आप उनको कहते हैं कि ये जजेस जो है वो गलत बात कर रहे हैं,
पिछले जजेस जो बलियाल साहब और साकिब साहब बातें कर रहे थे, आप उनको सबको सच्चा साबित कर रहे हैं, ये क्या मतलब? ये तो वकालत कानूनी दलील तो नहीं हुई ना, ये तो फिर वो वजह मेरे नाल है, वो ठीक है पड़ेगा। अजहर साहब आपके ख्याल में इससे पीटीआई को फायदा होगा नुकसान होगा जो ये एडजस्टमेंट होगी पंजाब में या आगे पीछे आईपीपी? तो एक बात तो बड़ी वाजी है, अंधा अंधा बांटे रेवड़ियां अपने ही को दे, ये ऐसे ही सिंपल मसला है सारी बातों को। और आपको किसी ने कह दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीटों का फैसला नवाज शरीफ ने करना है? वो जिन्होंने फैसला करना है वो करना है। मैं फिरदौस आशिकवान साहब की बात से इत्तफाक करता हूं कि अगर वो बंदरबांट होनी है, अगर धांधला होना है, तो जो बात कह रही है वो समझ आ रही है बात, कि वो जिन्होंने फैसला करना है वो फैसला कर लेंगे। असल जो बात समझिएगा बात को ये है कि अभी जो ये पाकिस्तानी तारीख में इस तरह कभी पहले नहीं हुआ, जो बड़ा तय करके आए थे कि मैं लिख के देता हूँ वजीर आजम है, वो ग्राउंड पे अभी तक वो जलसा कर नहीं सके, वो बैठे घरों में बैठे रहते हैं, बैठ के फैसला करते हैं। कुछ कुछ लोगों ने जिन्होंने जलसे किए उन्होंने हालत देख लिया कि अपनी ग्राउंड पे रियलिटीज में बन नहीं रहा। अब बैठ के कोई ऐसा लायामल तय हो रहा है कि जहां बैठकर कोई पता नहीं है। वैसे तो अगर आप जिस तरह के हालात बन रहे हैं, अगर आप नीलामी भी करते तो कोई अर्ज नहीं है, पैसे आएंगे, मुल्क का कर्जा चला जाएगा, तय तो रहे। देखें ये सारा तजर्बा जो आप करना चाहते हैं ना, 17 महीने ये तजर्बा कर लिया, ये सारी सियासी जमातें इकट्ठी थी, इनकी अपोजिशन भी कोई नहीं थी, यानी आज ये सारा कुछ बैठते लड़ते फिर रहे हैं, तो इनका तो इरादा है कि अपोजिशन लीडर भी इनका हो जैसे राजा रियाज ने बनाया हुआ था। और आपको तारीखी तौर पर याद होना चाहिए, इनको एक ऐसी हंग पार्लियामेंट, मैं कहूँगा ऐसी पार्लियामेंट चाहिए, ये जो कानून जिसका जिक्र करें 232 का, ये ऐसी पार्लियामेंट जिसमें जो है वो दिखाई दे रहा है। जो आज सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं उससे अब लगता है कि ये मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। व्हाट इज योर टेक ऑन? देखिए बहुत शुक्रिया। देखिए बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट कर दी है चीफ जस्टिस ने, उन्होंने कहा कि जो शख्स यानी अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ भी है और कोई अपनी जो है वो वेज वॉर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, तो उस पर भी नाअहली की जो मुद्दत है वो 5 साल है। तो उन्होंने कहा कि ये यानी झूठ बोलने के ऊपर या नमाज ना पढ़ने के ऊपर अगर नाअहली ताहयात किस तरह हो सकती है, एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। दूसरी बात ये है कि इस्लाम तो इस्लाह का कहता है ना, इस्लाम कहता है कि जी आपने तोबा करी, तोबा का एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम में। तो हमारी अदलिया ने जो नाअहली की मुद्दत को ताहयात करार दिया था, जो कि आप जो 62(1)(f) की तशरीह की थी उन्होंने, वो तशरीह इस्लामिक प्रिंसिपल के खिलाफ थी। मैं तो आज भी कहता हूं, मैं पहले भी कहता था, तशरीह करना बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट की सुअब्दीत थी, उनका इख्तियार था, लेकिन तशरीह तो दुरुस्त करनी चाहिए थी ना। यानी आपका कानून कोई भी चीज़, इवन आईने पाकिस्तान भी इस्लामी तालिबात और कुरान पाक से मुतसादम नहीं हो सकता, फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस तरह मुतसादम हो सकता है? यानी आप ये देख लें कि अब उन्होंने आइन की तशरीह कर दी, अब आइन की तशरीह अगर उन्होंने गलत भी कर दी है तो अब उसके बाद अब ये मौका इख्तियार किया जाता है क्योंकि गलत हो गई है, इसलिए अब जब तक दोबारा सुप्रीम कोर्ट ही उसको अंडू नहीं करेगी तो आप उसको यानी वो गैर मुअसर नहीं हो सकती। नहीं, जसदीक ने बिल्कुल ठीक कहा कि तुम 2% के सहाफ़ी हो, मुझे वकील को तुम कानून समझाओगे। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल किया था। तुम जैसे लफाफा खोर सहाफ़ी चाहे जितना मर्जी नवाज शरीफ को डिफेंड कर लें, वो ताहयात नाअहल ही रहेगा। नाज़रीन आपका क्या ख्याल है, नवाज शरीफ की नाअहली सुप्रीम कोर्ट ख़त्म करेगी या नहीं? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।